दोस्तों, हम रोज कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय लेने बहुत ही आसान होते हैं, जैसे कि आज कौन से जूते पहनने हैं, खाने में क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। पर कभी कभी कुछ निर्णय आपके लिए इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उन्हें ले ही नहीं पाते हैं। तो आप मुश्किल से मुश्किल निर्णय आसानी से कैसे ले सकते हैं, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है संजय जैन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड पावर कोच हूँ। दोस्तों, कोई भी निर्णय लेते समय आपके पास तीन विकल्प होते हैं, हाँ में निर्णय लेना, ना में निर्णय लेना और निर्णय ही न लेना। यह जो तीसरा विकल्प है, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसको आपको कभी भी चुनना नहीं चाहिए। आप निर्णय में हाँ में ले सकते हैं या ना में, दोनों आपकी ज़िंदगी प्रभावित करेंगे। तो मैं आज आपको तीन ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बेहतरीन निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी। अपनी गलतियों और सफलताओं पर विचार करने के लिए खुद को कुछ समय दें। यदि आप अपने निर्णयों पर विचार करने के लिए समय ही नहीं निकालते हैं, तो आप अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखने का मौका ही खो देते हैं। इसलिए आपको अपने शेड्यूल में थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करने के लिए रेगुलरली समय निकालने की आदत बनानी चाहिए। इस बात पर चिंतन करें कि आपने पास में किस धारणा से गलतियां की और किस कारण से गलतियां की, और आप किस वजह से अपने काम में असफल हुए थे। स्थिति का अच्छे से विश्लेषण करें और आपके पास मौजूदा विकल्पों को देखें। आप अपनी गलतियों को वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप अपना अगला निर्णय सोच समझ कर लेकर हमेशा सही निर्णय लेने की अपनी आदत बना सकते हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब आप कठिन विकल्प का सामना कर रहे होते हैं, तब तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करना स्वाभाविक होता है। यदि आप किसी निर्णय को लेकर चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो अपने तनाव को सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करें, ताकि यह आपकी सोच को प्रभावित ना करे। तनाव को दूर करने के लिए आप ऐसा कुछ करें जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कि खुली हवा में घूमना, दोस्तों से मिलना या किताबें पढ़ना। मैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबको योगा रेकमेंड करता हूँ। इससे आपकी माइंड में क्लैरिटी मिलती है और आपको एंजाइटी भी नहीं होती है। अपनी धारणा के विपरीत सोचने की कोशिश करें। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि एक बार जब किसी चीज़ के बारे में कोई राय बना लेते हैं, तो आप हर सिचुएशन में वही राय अप्लाई करने के लगते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे हम बिलीफ परसिवियरेंस कहते हैं। जिन विश्वासों को आप हमेशा 100% सटीक मानते हैं, कई बार वे आपको भटका भी सकते हैं। अपने विश्वासों को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका है इसके विपरीत बहस करना। मान लीजिए आपकी यह धारणा है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आप उन कारणों की सूची बनाएं जिसकी वजह से अमीर लोग दयालु या मददगार हो सकते हैं। अंत में कोई भी निर्णय लेते समय अपने लक्ष्यों और मूल्यों को हमेशा ध्यान में रखें। खुद के प्रति और जीवन में आपके लिए जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके प्रति स्पष्ट और सच्चे रहें। किसी भी कीमत पर आपको ऐसे परिणाम पर पहुंचना चाहिए जिससे आप खुश रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज संजय जैन, डायरेक्ट दिल से।